अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम है सलमान मलिक और आज मैं हज़रत अली की आपको कुछ हदीसें बताने वाला हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर दुनिया बेहतर जगह होती तो कोई रोता हुआ पैदा नहीं होता। हज़रत अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है, तो आपने फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा यानी बेहतर समझने लगता है। हज़रत अली ने फरमाया जब अल्लाह नाराज़ होता है तो उस बंदे को किसी ऐसी चीज़ की तलब यानी लत लगा देता है जो उसकी किस्मत में ही ना हो। हज़रत अली ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा जब लोग रब को भूल जाएंगे और कीमती लिबास पहनकर बाज़ार में अकड़ के चलेंगे और वो इस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाज़ार में उनका कफन मौजूद है। हज़रत अली ने फरमाया कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो तो तुम्हें अपने लिए कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं हज़रत पड़ेगी। अली ने फरमाया कभी भी तुम अपनी जिस्मानी हालत और दौलत पर भरोसा ना करना क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ मोहम्मद अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पर किया करो, जब तुम अंधेरी रात में होगे तो ये उंगलियां ही तुम्हारी कब्र में रोशनी करेंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को दूसरों तक पहुँचाए। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों पर ये वीडियो पहुँचे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शायद आपके एक लाइक से ये वीडियो दूसरे के पास पहुँचे और उसका सवाब आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, मैं हूँ सलमान मलिक, अल्लाह हाफिज़।